वैश्विक महामारी कोविड-19 दिनों दिन विकराल रूप धारण करता जा रहा है, जिसके चलते संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके मद्देनजर सरकार द्वारा सभी स्कूल और कॉलेजों को अगले निर्देश तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 9th क्लास तक की परीक्षा घर से ही करने के लिए कहा गया है। लेकिन मथुरा के कृष्णा नगर स्थित ग्रेस कॉन्वेंट स्कूल में कुछ और ही देखने को मिला। वहां निरंतर रूप से बच्चे आ रहे थे और अपनी परीक्षा सीट जमा करते हुए देखे गए। इस पर अभिभावकों का कहना था कि पूरे साल ऑनलाइन शिक्षा बच्चों ने ग्रहण की है। अगर ऑनलाइन परीक्षा होती तो उत्तर पुस्तिका भी ऑनलाइन जमा होनी चाहिए, जिससे बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा कम रहेगा। यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफी गार्जियंस यहाँ इकट्ठे हैं कि स्कूल के बाहर है। देखिए, कुछ गार्जियंस के द्वारा स्कूल में मैं इसमें एक आध दो गार्जियंस हैं, एक आध दो लोग संदिग्ध लोग हैं जिनके द्वारा ये भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है। आप विद्यालय परिसर में देखिए, विद्यालय परिसर में कोई भी छात्र परीक्षा के लिए या छात्र उपस्थित नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन जो परीक्षा है, ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जा रहा है। इसमें कोई किसी प्रकार का भी शासन का, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार का, कोई भी ऐसी निर्देश नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई ना किया जाए या ऑनलाइन कार्य नहीं किया जाए। ऑनलाइन कार्य करने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। ऑनलाइन तो हम बच्चों के भविष्य को देखते हुए क्या कहते हैं, ऑनलाइन तो भी देंगे। फीस का भी बनाया जा रहा है कुछ गाइडेंस के लिए। देखिए, सब लगभग सारे बच्चों के द्वारा अपने समय फीस जमा कर दी। जिसकी फीस में अब कोई प्रॉब्लम थी, उसको जिसने अपनी एप्लीकेशन लिख के दी, क्या कहते हैं, उनकी हमने फीस को भी कंसीडर किया गया। मगर सवाल है कि कुछ लोग इसमें दो तीन असामाजिक तत्व हैं जिनके पास विद्यालय के पर आगा के जिनके बच्चे भी नहीं आने पड़ते हैं, और इनमें से एक आध जो पेरेंट्स को देखा कि ये तो अलग अलग बातें के कही जा रही है, सब कोई अभिप्राय ही नहीं है। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और ICSE बोर्ड के द्वारा ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं हाई स्कूल और 12th की, तो निरंतर रूप से बच्चों पर बताया जा रहा है यहाँ गार्जियंस द्वारा कि परीक्षा का दबाव बनाया हुआ है, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, ऐसा है कि क्लास 12th और 10th की परीक्षा रद्द हुई है। हमारे द्वारा कोई भी परीक्षा नहीं, इस विद्यालय परिसर में नहीं कराई जा रही है। ऑनलाइन बच्चों को काम दिया जा रहा है, ऑनलाइन ही बच्चों से क्या कहते हैं परीक्षा ली जा रही है, और ऑनलाइन जो परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं उनकी कॉपी सबमिट करने के लिए वो आ जाते हैं, वो भी क्या कहते हैं क्रमबद्ध रूप से मास्क पहन करके अपने बच्चों की कॉपी सबमिट करने आते हैं। शासन और क्या कहते हैं निर्देश को पूरा पालन किया जा रहा है, और 10th और 12th क्लास की परीक्षाओं के लिए 10th क्लास की परीक्षा रद्द की गई है, 12th क्लास की परीक्षा आगे। क्या नाम है आपका जी? अशोक। अशोक जी, क्या परेशानी लेकर यहाँ पर आए हैं स्कूल परिसर में, जबकि ICSE बोर्ड की परीक्षाएं और ये सब रद्द हैं, तो यहाँ पर कितने गार्जियंस क्यों इकट्ठे हुए हैं? परेशानी है भाई साहब कि सरकार ने हर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन से लेकर के नाइट कर्फ्यू तक की व्यवस्थाएं बन रही हैं। लोगों के आजीविका की चीज़ों को लेकर संदेह में है कि आने वाले समय में क्या होगा। हॉस्पिटलों में बैग नहीं है, ऑक्सीजन की स्थिति खराब हो रही है, संक्रमण किस स्तर पर इस बार कोरोना का फैल रहा है पूरा देश जान रहा है, विश्व जान रहा है। आने वाले समय में कल और परसों क्या होगा कि सब लोग आशंकित हैं, कुछ कुछ नहीं पता। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा जनहित में बच्चों के जीवन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये निष्पष्ट आदेश किया है कि सभी 10th क्लास के बच्चों की क्लास परीक्षाएँ रद्द कर दी गई, उन्हें प्रमोट किया जाएगा, 12th क्लास की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है, और आपका JEE और NEET की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। तो नर्सरी से 9th तक के बच्चों को एग्जाम कराने का क्या महत्व है, जरा बताएं? ये तानाशाही है, केवल व्यापार से सस्ता है, मतलब किसी के जान मतलब कोई बच्चिंता नहीं विद्यालय को। स्कूल प्रशासन कहना है कि हम सिर्फ ऑनलाइन करा रहे हैं। ऑनलाइन आपने देखा, मैं 10-20 वीडियो दिखा दूंगा आपको, बच्चे बराबर प्रॉपर स्कूल में आ रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है भाई साहब? और फिर ऑनलाइन क्यों, ऑनलाइन कौन सा ऑनलाइन है? विद्यालय में बच्चे आके ऑनलाइन होता है? आप फोटो खींचे वीडियो बनाई, देखो बच्चे अभी आ रहे, बार बार आ रहे। मुझे ये बताइए कि जब प्रोटोकॉल क्या है, जब प्रमोट करने की बातें हुई हैं, तो प्रमोट का मतलब एग्जाम होता है? प्रमोट का मतलब ऑनलाइन क्लासेस, परीक्षा कराने का मतलब होता है?
क्या कहना चाहेंगे शिक्षा पद्धति को इस समय? नहीं, शिक्षा पद्धति के स्तर में क्या, हम तो चाहते हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी हमने फोन किया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। कठोर कार्रवाई हो ताकि बच्चों के भविष्य को, हो सकता है कोई गुप्त कौर भी खिलवाड़ कर रहा हो, किसी के बच्चे की जान चली जाएगी, तो आप बताइए उसके जिम्मेदार कौन होगा। मानसिक प्रताड़ना की जा रही है, बाबू के साथ बच्चों को भेजिए एग्जाम कराने, बच्चों को भेजिए फीस जमा कर एग्जाम कराने, कोई तरीका है क्या? कोई सुनेगा नहीं किसी की क्या?